रीवा से है, जहां इंदौर से चोरी हुई स्कॉर्पियो समान थाने से बरामद हो गई। दरअसल 2 मई को अमन पटेल नाम के व्यक्ति ने स्कॉर्पियो किराए से लिया था और चंद घंटे में ही स्कॉर्पियो में लगा GPS हटा दिया, जिसके चलते स्कॉर्पियो मालिक परेशान हुआ। लेकिन भोपाल पहुंचते ही उक्त स्कॉर्पियो का चालान काटा गया, जिसकी जानकारी मालिक को हुई तो आरोपी पैसे देकर गाड़ी छुड़ा लिया। तब से मालिक इंदौर पुलिस के चक्कर लगा रहा था। बीते दिन उसे जानकारी हुई कि समान पुलिस एक युवक को वाहन चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो सहित पकड़ा है, जिसके पास उक्त वाहन के दस्तावेज नहीं है। पूछताछ करने पर उक्त अमन पटेल नाम के युवक ने उक्त स्कॉर्पियो के संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद समान थाना प्रभारी हितेंद्रनाथ शर्मा ने इंदौर पुलिस से संपर्क कर वाहन मालिक को रीवा बुलाया और आगे की कार्यवाही शुरू की है। आइए सुनते हैं स्कॉर्पियो मालिक और थाना प्रभारी ने पूरी घटना को लेकर क्या जानकारी दी, किस तरह से आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। डावर, ये आपकी गाड़ी चोरी हुई थी? हाँ, कैसे चोरी? इंदौर MR9 से चोरी हुई थी। 2 तारीख को अमन पटेल नाम के लड़के को हमने कार रेंट पे दी थी 2 दिन के लिए। उसके बाद में उसने गाड़ी का GPS काट दिया तुरंत रेंट से, जैसे ले गया 1 घंटे बाद। उसके बाद में लास्ट लोकेशन उसकी ट्रेस हुई थी पंचतारा, और हमको फर्जी लाइसेंस आधार कार्ड दे के ले गया था वो गाड़ी, तो हम लोग चेक नहीं कर पाए उस टाइम पर। बाद में गाड़ी भोपाल से चालान आया हमारे पास 2 तारीख को शाम को, 500 रुपये का विदाउट सीट बेल्ट, तो वहाँ पे इसने कैश दे के छूट गया। SI अनंत कुमार पांडे ने वहाँ पे चालान बनाया इनका, और उसके बाद में गाड़ी पता नहीं कहाँ पे ठुकी, उसके बाद रीवा थाने पे हमको प्राप्त हुई। अभी कौन सी गाड़ी है? स्कॉर्पियो S A3 डार्क ग्रे है, 7 सीटर। कब गायब हुई थी ये? 2 तारीख को 12 बजे। अभी है समान थाना में? हाँ, मिली है गाड़ी? हाँ जी। क्या मिल गई? मिल गई गाड़ी। अब थाने पे से अब जो भी कार्रवाई होगी उसके हिसाब से अब गाड़ी हम लोग आगे फर्दर ले जाएंगे। गाड़ी बरामद हुई स्कॉर्पियो, क्या करना? मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अमन पटेल है, वो एक स्कॉर्पियो गाड़ी है उसको लेकर के B2 माल के पीछे उस गाड़ी के सौदा करने की नियत से खड़ा हुआ है। इस सूचना की तस्दीक के लिए स्टाफ के साथ वहाँ पर दबिश दी गई। वहाँ पर अमन पटेल मिला, जिसमें यह पाया गया कि उसके पास स्कॉर्पियो जो गाड़ी थी उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 2/5 को इंदौर से उसने ये गाड़ी बुक की थी, और फिर उसका GPS निकाल करके इस तरह से उस गाड़ी को लेकर के रीवा आ गया था। रीवा करके वो गाड़ी में कलर कराने के लिए और इस तरह से गाड़ी को विक्रय करने की कुछ लोगों से बात कर रहा था, और उस तरह से उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसको जब्त कर लिया गया है। आगे की जाँच में पाया गया है कि जो गाड़ी है वो इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति की है, जो किसी बहाने से बुक करके गाड़ी को फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपने कब्जे में ले लिया था और उस गाड़ी को लेकर के रीवा आ गया था। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आगे की अभी इसमें जांच चल रही है। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी ये मऊगंज क्षेत्र का है, देना करके क्या नाम है उसका गाँव का। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9969316257 8962758722 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, A ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।